दोस्तों नमस्कार ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी इतिहास की शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टी जे टी पी जे टी एल टी ग्रेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जे आर एफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आइए शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित वीडियो दोस्तों सबसे पहले आइए जानते हैं बोगज कोई अभिलेख के बारे में तो बोगच कोई दोस्तों मध्य एशिया में स्थित स्थल है जहाँ से 1400 सौ ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है जिसमें चार वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है और आप जान लीजिए बोगच कोई एशिया माइनर जो कि वर्तमान तुर्की में है वहाँ का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है बोगज कोई की महत्ता इसलिए है क्योंकि इसी स्थान से विश्व का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसे इतिहास में बोगज कोई अभिलेख के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसे विद्वानों ने 1400 सौ ईसा पूर्व का बताया है और यहाँ पर चार वैदिक देवताओं इंद्र मित्र वरुण और नासत्य का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है अगला है रोसेट्टा रोसेट्टा क्या है तो दोस्तों मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित स्थल जहाँ से एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि के दो प्रकारों में मिला है और रोसेट्टा मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित स्थल है आगे देखते हैं दोस्तों चताल युग के बारे में तो चताल युग क्या है इसके बारे में जान लीजिए तुर्की स्थित एक नौ का स्थल है यहाँ सुदूर स्थलों से वस्तुएं लाकर उपयोग की जाती थीं जैसे सीरिया से चकमक पत्थर लाल सागर से कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ और आप जान लीजिए कि ये सामान तब लाए गए थे जब पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था तो चताल यूक तुर्की में स्थित एक नौ स्थल है और यहाँ पर दूर के स्थलों से वस्तुएँ लाकर उपयोग की जाती थीं अगला टर्म है दोस्तों एपीग्राफी एपी एपीग्राफी किसे कहते हैं तो याद रखिएगा प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है एक और टर्म है शब्दावली है न्यूमिसमेटिक्स दोस्तों न्यूमिसमेटिक्स जो है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है आइए जानते हैं बीसी यानी ईसा पूर्व के बारे में तो बी का फुल फॉर्म है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी बिफोर क्राइस्ट दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बी कहा जाता है और इसमें वर्षों की गिनती जो है उल्टी दिशा में होती है इसी प्रकार ए डी यानी ईसवी सन एन्नो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है और ईसवी सन या ईसा मसीह के जन्म की तिथि से इसका प्रारंभ माना जाता है एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लार्ड जीसस यानी जिस वर्ष जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तो बी और ए आप जान गए होंगे बी सी ईसा पूर्व है यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ए डी यानी ईसवी इस सन ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ये शुरू होता है सी ई तो सी ई का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और कभी कभी ए डी या ईसवी की जगह सी ई का प्रयोग भी किया जाता है अगला शब्द है दोस्तों बी सी ई -E, यानी बिफोर एरा तो कभी कभी बी सी या ईसा पूर्व के स्थान पर बी सी ई शब्द प्रयोग किया जाता है बी पी तो बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले के समय के लिए बी पी शब्द का प्रयोग किया जाता है और देखिए बुस्ट्रू फोट फेडन बुस्ट्रोफेडन क्या है दोस्तों हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ यानि चित्रात्मक लिपि थी जो दाई ओर से बाई ओर तथा बाई ओर से दाई ओर लिखी जाती थी इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया है तो याद रखिएगा बुस्ट्रोफेडन जो है हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ यानि चित्रात्मक थी और इसी पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है संहिता दोस्तों चारों वेदों ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद को मिलाकर संहिता कहा जाता है और चारों वेदों में से तीन वेद ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है अगला है अवेस्ता तो अवेस्ता आप जानते हैं कि ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है जिसकी अनेक बातें ऋग्वेद से मिलती हैं प्राचीन इतिहास के में एक शब्द प्रयोग होता है दोस्तों गविष्टि तो गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज और ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय के रूप में गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है गढ़ तो कई सदस्यों वाले समूह को गढ़ कहा जाता है और दशराग युद्ध आप जान लीजिए दोस्तों दस राजाओं के साथ युद्ध और दशराग युद्ध यानी राबी नदी के तट पर भारत, भारत वंश के राजा सुदास और दस जनों यानी पांच आर्य और पांच अनार्यों के बीच हुआ था इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई थी अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं तो दोस्तों इस यज्ञ में राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और जहाँ तक वो घोड़ा जाता है वो पूरा जो वहाँ की भूमि होती है वो संबंधित राजा जो अश्वमेध यज्ञ कराता है उसके दायरे में उसके सीमा या राज्य की सीमा के अंतर्गत आ जाती है यज्ञ क्या है तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित होता था राजसुय यज्ञ वाजपेय यज्ञ तो राजा द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था जिसको वाजपेय यज्ञ कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ ये पापों के छह और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसका वर्णन किया गया है और देखिए सौत्राम यज्ञ ये यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी पुरुष मेध यज्ञ दोस्तों राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बल का प्रावधान था पुरुष मेध यज्ञ में देखिए निष्क तो ऋग्वैदिक काल का स्वर्ण आभूषण था जो बाद में सिक्कों के लिए प्रयुक्त तो होने लगा निष्क जो है ये गले में पहना जाने वाला आभूषण था निर्ग्रंथ तो दोस्तों जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहा जाता है पंच महाव्रत तो सत्य अहिंसा परिग्रह अस्त्य और ब्रह्मचर्य ये सभी पांचों को मिलाकर पांच जो है इनको मिलाकर पंच महाव्रत कहा गया है कौवल्य कैवल्य तो दोस्तों जैन धर्म के अनुसार जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष यानी कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है स्यादवाद क्या है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है परीक्षाओं में पूछा भी जाता है ये ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है इसे सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद कहा जाता है जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणत उनके सिद्धांत स्यादवाद में होती है सल्लेखना क्या है दोस्तों सल्लेखना का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा जैन धर्म में उपवास के द्वारा प्राण त्याग को संलेखना कहते हैं संथारा तो दोस्तों मृत्यु के निकट पहुंचे व्यक्ति द्वारा एकांतवास और अन्न जल त्याग कर जो है शरीर त्यागना ये संथारा पद्धति होती है प्रतीत्य समुत्पाद तो प्रत्येक घटना के पीछे कार्यकरण का संबंध होता है और इसी कार्यकरण सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है देखिए निर्वाण तो प्राचीन ग्रंथों में और प्राचीन इतिहास में टर्म आता है निर्वाण बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना अगला है अस्तूप तो किसी वस्तु का ढेर उसे अस्तूप कहा जाता है और अस्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था प्रदक्षिणा पथ दोस्तों आप जान लीजिए स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बनाया गया वृत्ताकार पथ इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे वेदिका क्या थी तो वेदिका प्रदक्षिणा पथ को घेरने वाली रेलिंग जिसमें प्रवेश द्वार यानी तोरण बनाया जाता था वेदिका और तोरण को मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजाया जाता था चैत्य तो दोस्तों चैत्य का अर्थ होता है चिता संबंधी एक चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता है और पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है विहार तो बौद्ध चैत्यों के पास भिक्षुओं को रहने के लिए जो आवास बनाया जाता था उसे बिहार कहा जाता था बोधिसत्व तो दोस्तों बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है जो करुणा में माने गए हैं इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे अवलोकितेश्वर पद्म अमिताभ मंजुनाथ और मैत्रेय आदि धर्मस्थी या कंटक शोधन क्या है तो दोस्तों कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में उल्लिखित दो प्रकार के न्यायालय हैं धर्मस्थी न्यायालय के द्वारा दीवानी यानी स्त्री धन तथा विवाह संबंधी निपटारों का निवारा निपटारा होता था जबकि कंटक शोधन न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले यानी हत्या और मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था अगला है अधेव तो अदैव मात्रिक ऐसी भूमि को कहते हैं जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी इंडिका दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है और ये मेगास्थनीज द्वारा रचित ग्रंथ है मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्युकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसने इंडिका में पाटलिपुत्र यानी पटना का और भारतीय समाज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र कौटिल्य जिनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है उनके द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय राजनीति का ग्रंथ है इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा के कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है सप्तांग सिद्धांत जान लीजिए दोस्तों प्राचीन समय में राज्य का सप्तांग सिद्धांत था जिसके सात अंग थे राजा आमात्य जनपद दुर्ग कोष, दंड और मित्र राजा जो है सिर होता था आमात्य आँख जनपद जंघा दुर्ग जो है बाँ होती थी कोष यानी मुख दंड बल और सेना दंड बल और सेना को कहा जाता था ये, आप जान लीजिए मस्तिष्क और मित्र जो है वो कान के समान होता था और इन सभी का संतुलित प्रयोग करके ही राज्य को शक्तिशाली बनाया जा सकता था अगला टर्म है एग्रोनोमोई तो मेगस्थनीज के अनुसार ये मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था छत्रप दोस्तों कुशाणों ने राज्य शासन में छत्रप प्रणाली प्रयोग की साम्राज्य अनेक छत्रपियों यानी उपराज्यों में बांट दिया गया और हर एक छत्र छत्रपी एक एक छत्रप के शासन में जोड़ दिया गया अगम और पुरम क्या था तो संगम ग्रंथों को अगम यानी प्रेम संबंधी रचनाएं और पुरम यानी युद्ध संबंधी रचनाओं में विभाजित किया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों अगम और पुरम संगम ग्रंथों को आगम यानी प्रेम संबंधी रचनाएं और पुरम यानी युद्ध संबंधी रचनाओं में विभाजित किया गया है माँ और वेली दोस्तों सुदूर दक्षिण में ये भूमि की माप थे माँ और वेली पुलैया और पनार तो दक्षिण भारत की अस्पृश्य जातियाँ पुलैया और पनार थीं। अगला शब्द है प्रवालम एक प्रकार की लेखन शैली जिसमें दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का साथ साथ प्रयोग किया जाता है इसका शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा होता है चौदहवीं शताब्दी का व्याकरण तथा काव्यशास्त्री ग्रंथ लीला तिलकम इसी शैली में लिखा गया था इन्तु, तु दोस्तों चीनी भाषा में भारत के लिए प्रयुक्त शब्द तो चीनी में भारत को इन्तु कहा जाता था सूर्य सिद्धांत तो ये एक ग्रंथ है आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें कोण के ज्या का सिद्धांत दिया गया है अगला है दोस्तों संबद्ध तो अलबरूनी के अनुसार 241 सौ इकतालीस प्लस दो सौ यानी 319 सौ में बल्लभ नामक राजा ने इसका परिवर्तन किया था और गुप्त संगठ की भी तिथि यही है संधि विग्रही कौन होता था तो युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री संधि विग्रही कहलाता था महादंड नायक ये मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था गैरिशन शहर तो किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं और हिरण्य गर्भ सोने का गर्भ एक अनुष्ठान जो ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेगा अगला है दोस्तों कश्मीर का नीरो दोस्तों कश्मीर में लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक का काल पड़ा था राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्सल और सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह में लगभग ग्यारह सौ एक ईस्वी में हर्ष और उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई थी अगला है जैनुल अखबार तो देखिए जैनुल अखबार अबू सईद द्वारा लिखित ईरान का इतिहास जिसमें महमूद गजनवी के जीवन और उसके क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है कर्मतिया क्या था तो मुल्तान और सिंध में अस्थायी रूप से रहने वाले अरब वासियों के मध्य विकसित संप्रदाय इसको कर्मतिया कहते थे चैत्य करी तो अनेक मंदिरों और चैत्यों का निर्माण करवाने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि थी चैत्य करी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा चैत्य करी अनेक मंदिरों और चैत्यों का निर्माण कराने वाले महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि थी वेट्टी तो वेट्टी कौन थे जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला क्रम जो है कर इसको वेट्टी कहा जाता था कड़माप या में तो चोल साम्राज्य में सरकार द्वारा लिया जाने वाला भू राजस्व जो कुल उपज का एक तिहाई भाग होता था इसको दोस्तों आ, कर कड़माप या कुमय कहा जाता था बड़ज तो व्यापारियों के विभिन्न संगठन इन्हें वलजियम वलंजियर वलंज आदि नामों से भी जाना जाता है कलंजु या कल्याण कौन था तो चोल कालीन मालनक सिक्का जो होता था उसको कलंजू या कल्याण कहा जाता था घटिका दोस्तों दक्षिण भारत में मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालयों को घटिका कहा जाता था याद रखिएगा और उर क्या होता था तो चोल कालीन किसानों की बस्तियां इन्हें उर कहा जाता था और इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था वे लाल दोस्तों धनी किसान जिन्हें केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था उनको वे लाल कहा जाता था और मुवेंद वेलन ये धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं द्वारा दिया जाने वाला सम्मान मुवेंद वेलन था अरैयार तो ये प्रधान होता था और वेलन बगाई दोस्तों आप जान लीजिए कि वेलन बगाई ये दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण किसानों स्वामी की भूमि होती थी वेलन बगाई और आप जान लीजिए ब्रह्मदेव तो ये टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं में पूछा भी गया है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे शाल भोग तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शाल भोग कहते हैं और देवदान या ढक्कनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को देवदान कहा जाता था पल्ली चंदम तो जैन संस्थाओं को ध्यान में दी गई भूमि को पल्ली चंदम और पुलाया याद रखेगा लोगों का ऐसा समूह जिसे प्रतिष्ठित समाज के बाहर का या निम्न दर्जे का माना जाता था उसको पुलाया कहते थे चारुपल्लम तो चढ़ाईदार रास्ते का गांव जो है उसे चारुपल्लम कहते थे अस्थपति यानी मूर्तिकार या शिल्पकार को अस्थपति कहा जाता था मंडपिका मंडी और बाजार को मणिग्रामम और नाना देशी कौन थे तो व्यापार संघ जो प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे उन्हें मणिग्रामम और नाना देशी कहते थे सालियार या कैकुलार कौन थे दो तो बुनकर संप्रदाय दोस्तों इनको सालियार या कैकोलार कहते थे चौगान दोस्तों राजा और उसके दरबारियों द्वारा खेला जाने वाला एक ईरानी खेल जो पोलो की तरह होता है जिसमें घुड़सवार लकड़ी से गेंद को मारते हैं और यही खेल खेलते समय कुतुबुद्दीन तो ऐबक की घोड़े से गिर जाने के कारण मौत हो गई थी लाख बक्स तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने के कारण लाख बक्स कहा जाता था दहलीवाल तो दिल्ली में ढाले जाने वाले सिक्के को दहलीवाल कहा जाता है मस्जिद तो ये एक अरबी शब्द है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटने और माथा टेक कर सजदा करते हैं उसे मस्जिद कहा जाता था किबला तो मक्का की ओर की दिशा जिधर धर्मोह करके नमाज के दौरान मुसलमान खड़े होते हैं उसे किबला कहा जाता है तुर्कान चहलगानी आप जानते हैं इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीस तुर्क अमीरों और ग़ुलामों का एक दल था जो उसके विश्वास पात्र थे इन्हें तुर्कान चहलगानी कहा जाता था खिलात तो खिलाफत खलीफा द्वारा इल्तुतमिश को भेजा गया सम्मान सूचक वस्त्र इसे खिलैत कहा जाता था हौज ए सुल्तानी क्या था तो ये राजा का तालाब था इसका निर्माण इल्तुतमिश ने दहली ये कोहना के निकट करवाया था कबा या कुबा तो ये कोट होता है कुलाह टोपी या राजमुकुट और सजदा जो है दंडवत सम्मान या प्रणाम करना सजदा कहलाता है पाबोस पाबोस कदम चूमना होता था और ये पारसी जो हैं परंपरागत जो हैं तरीके हैं सम्मान के जिल्ले इलाही तो ईश्वर की छाया बलवन ने ये उपाधि धारण की थी अफरा शियाब तो फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित एक राजवंश जिसका वंशज होने का दावा बलवन ने किया था नवरोज तो ईरानी नववर्ष जिसको मनाने का कार्य बलवन ने आरंभ किया था और मुफ्ती तो मुस्लिम कानूनों की व्याख्या करने वाला न्यायविद जिसकी व्याख्या के आधार पर काजी फैसला सुनाता है उसे मुफ्ती कहा जाता है काजी तो काजी एक न्यायाधीश होता था टांडा तो खाना दोष अनाज व्यापारी बंजारों का कारवा इसको टांडा कहते थे शद्र ए जहाँ सुल्तान के पश्चात न्याय करने वाला सर्वोच्च अधिकारी इसको सद्र ए जहाँ कहा जाता था सदर ए रियासत तो दोस्तों बाज़ार का सबसे बड़ा अधिकारी जो बाजार के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार था उसे सदर ए रियासत कहा जाता था दीवाने को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित कृषि विभाग इसको दीवाने को ही कहा गया तकावी तो दोस्तों अकाल ग्रस्त कृषकों को दिया जाने वाला कृषि ऋण ये तकावी था सोन्धर कुएं खोदने बीज और हल खरीदने के लिए किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण इसको सोनधर कहा जाता है उलुग खानी और रजवाही तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरें थी और फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था और नहरों पर विशेष ध्यान दिया था टंका तो इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का इसको टंका कहा गया जीतल इल्तुतमिस द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का तो चांदी का सिक्का टंका था और जीतल तांबे का सिक्का था जिसको इलतुतमिश ने चलवाया था आधा और बिख तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया आधा और चौथाई पीतल में तांबा चांदी मिश्रित सिक्का हक ए तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिया जाने वाला सिंचाई कर जिसकी दर दस प्रतिशत थी गज ए सिकंदरी दोस्तों सिकंदर लोदी द्वारा विकसित भूमि माप का पैमाना जो उनतालीस अंगुल का होता था लज्जत ए सिकंदरी तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में रचित संगीत से संबंधित ग्रंथ इसको लज्जत ए सिकंदरी कहा गया फरहंग ए सिकंदरी तो सिकंदर लोदी कालीन आयुर्वेद की अनुवादित पुस्तक तिब ए सिकंदरी तो सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ द्वारा रचित औषधि ग्रंथ और, और गुलरुखी कौन था तो सिकंदर लोदी अपनी कविताओं के लिए गुलरुखी उपनाम से कविताएं करता था बहलोली बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का इसको बहलोली सिक्का कहा गया बीदरी क्या है तो बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी के जड़ाई का काम इसको बीदरी कहा गया मूर याद रखिएगा मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम मूर था और उत्तरी अफ्रीका के ये अरबी व्यापारी थे जरबक्श तो दोस्तों महमूद बेगड़ा को स्वर्ण दान करने के कारण जरबक्स कहा जाता था तरफ या अतराफ तो इसको प्रांत कहा जाता था और देखिए गज बैठकर दोस्तों हाथियों के शिकारी को गज बैठकर कहते हैं और देवराय द्वितीय ने गज बैठकर की उपाधि धारण की थी अष्ट दिग्गज कौन थे तो देव राय के दरबार में रहने वाले आठ विद्वान जो है अष्ट दिग्गज कहे जाते थे अमुक्त कृष्ण देव राय द्वारा राज्यव्यवस्था पर तेलुगु में लिखी गई पुस्तक अमुक्त माल्यद है मेला ग्राम तो पचास गांव के समूह को मेला ग्राम कहते थे आयंगर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए नियुक्त जो बारह अधिकारी होते थे उनको आयंगर कहा गया है रक्त कोड गए तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वालों को दी जाने वाली भूमि जो कर मुक्त होती थी उसको रक्त कोट गए कहा गया है दासवंदा या कोट कुट गए तो सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा प्राप्त आय को दासवंदा कहा गया है वराह दोस्तों विजय कालीन सोने का सिक्का जो बावन ग्रहण का होता था विदेशी यात्रियों ने इसे पगोडा कहा है इसके अलावा आप देखिए बडवा तो विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से आए लोग जो व्यवसाय करने लगे थे उनको बडवा कहा गया गंडपेंद्र युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को पैरों में पहनाया जाने वाला आभूषण उसको गंडपेंद्र कहा जाता था बुरंजी दोस्तों अहोम या असम राज्य की ऐतिहासिक कृतियां जिन्हें पहले अहोम भाषा में फिर असमिया में लिखा गया उनको बुरंजी कहा गया है और आप देखिए पाइक तो पाइक अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहे जाते थे यानी जो अधिकतर कृषि कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता था एकता क्या था तो हस्तांतरणी लगान अधिनियम एक ऐसा भूक्षेत्र जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उस क्षेत्र के प्रशासनिक संचालन के लिए दिया जाता था इसे एकता कहा गया और फवाजिल अतिरिक्त राजस्व यानी अधिशेष जो प्रशासनिक और सैनिक खर्च के बाद इकतेदार के पास बच जाता था उसे फवाजिल कहा गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन और शब्दावली के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण शब्दावली से संबंधित ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन शब्दों और उनके अर्थों को तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार